नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे एचपी एसएससी का प्रीवियस पेपर। ये जो एचपी एसएससी का प्रीवियस पेपर है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसका हम एचपी जीके का सेक्शन डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है, फॉरेस्ट एरिया अकाउंट फॉर अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो हिमाचल का जो फॉरेस्ट एरिया है वो टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 68% है। ऑप्शन ए 68% जो है वो सही आंसर है। अब ये 68% है, तो यहाँ से भी कुछ डिटेल में तो आपको जानना ही है। पहले तो याद रखिए कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है। ये 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अब हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। तो हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करेंगे तो ये 68.16% एग्जैक्टली कवर करता है। और अगर इन बात ऑफ स्क्वेयर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर में बात करें तो 37,948 स्क्वेयर किलोमीटर क्षेत्र जो है यहाँ पर आता है। और देखो, हिमाचल प्रदेश ने जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो रखे गए हैं उनको 2030 को जो है ये लक्ष्य रखा है कि हम 2030 तक जो है SDG को कवर कर लेंगे। ये बेसिक बेसिक मैंने आपको बताया, आपको पता ही होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन 44 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश हैज़ एन एस्टिमेटेड हाइड्रो पोटेंशियल ऑफ। हिमाचल प्रदेश की अनुमानित जल क्षमता है, हिमाचल प्रदेश की जो एस्टिमेटेड हाइड्रो पोटेंशियल है वो कितनी है? क्वेश्चन नंबर 44 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर, 27,436 मेगावाट। ये यहाँ की एस्टिमेटेड हाइड्रो पोटेंशियल कैपेसिटी है। अब यहाँ से कुछ बच्चे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, कुछ बच्चे क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं और आंसर 24,000 मेगावाट कर आ जाते हैं। तो यहाँ से आप जो डाउट है उसको क्लियर कीजिए। हिमाचल प्रदेश जो कुल विद्युत क्षमता का जो अनुमान लगाया गया है हिमाचल के द्वारा वो है 27,436 मेगावाट, परंतु इसमें से जो है वो 24,000 मेगावाट को ही जो है वो दोहन योग्य पाया गया है। दोहन योग्य पाया गया है 24,000 मेगावाट को, और जो अनुमानित है वो है 27,436 मेगावाट। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर महिलाओं के लिए क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थित है? तो ये झुंडला में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है, झुंडला में। अभी झुंडला में स्थित है तो यहाँ से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी आपको नहीं मिलेगी, परंतु हाँ, आप कुछ चीज़ छोटी छोटी चीज़ें याद रख सकते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर स्थित है? ये शिमला में स्थित है। शिमला में कौन से स्थान पर स्थित है या फिर इस बिल्डिंग का क्या नाम है? तो ये फेयर लॉन्स इस बिल्डिंग का नाम है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। तो इसके बारे में भी याद रख सकते हैं आप, क्योंकि इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, टोटल पंचायत इन हिमाचल प्रदेश इज, तो प्रेजेंटली बात करें, ये थोड़ा सा पुराना पेपर है तो इसमें पुरानी पंचायतें दी गई हैं। अगर प्रेजेंट टाइम में पंचायतों की बात करें कि हिमाचल प्रदेश में कितनी पंचायतें हैं, तो हिमाचल प्रदेश में 3,615 पंचायतें प्रेजेंटली हैं। पहले जो थी वो हिमाचल प्रदेश में 3,226 पंचायतें थी, परंतु अब इन पंचायतों को जो था वो बढ़ा दिया गया, और बढ़ाकर कितना किया गया? 3,615। तो ये पंचायतों के बारे में आपको याद रखना है कि प्रेजेंटली कितनी पंचायतें हिमाचल प्रदेश में है। घड़ासरू लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में घड़ासरू झील जो है वो स्थित है? अब घड़ासरू झील कहाँ पर स्थित है? 47 का ऑप्शन सी चंबा में सही आंसर है। अब चंबा में कौन कौन सी लेक्स हैं? अब आप लोगों के लिए ये आज का आंसर है कि आप कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है? चंबा में जितनी भी लेक्स हैं उन सभी के नाम नीचे कमेंट करके आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, सियूल रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ मेन रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की कौन सी प्रमुख नदी की सहायक नदी है? सियूल नदी। तो क्वेश्चन नंबर 48 की बात करेंगे, इसका ऑप्शन डी सही आंसर है, रावी। रावी नदी जो है ये सियूल की सहायक है। रावी नदी के बारे में कुछ आपको पता होना चाहिए। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? रावी नदी का वैदिक नाम है कुशानी। रावी नदी का संस्कृत नाम क्या है? रावी नदी का संस्कृत नाम है इरावती। रावी नदी की सहायक हो गई बादल होगी, सियूल होगी, बुधिल होगी, साहो होगी, चीरचुन नाला होगी, तंतगिरी होगी, बैरा होगी, ये सभी रावी की सहायक हैं। अब रावी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो ये बड़ा बंगाल से निकलती है। तो ये भी आप यहाँ से याद रखेंगे रावी नदी के बारे में। 49 देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है, वशिष्ठ स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो वशिष्ठ वाटर स्प्रिंग है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो वशिष्ठ वाटर स्प्रिंग कुल्लू में स्थित है। ऑप्शन ए कुल्लू जो है वो सही आंसर है। अब ये कुल्लू में स्थित है वशिष्ठ वाटर स्प्रिंग। उसी तरह मणिकरण के बारे में पूछ लिया जाता है, ये भी कुल्लू में स्थित है। कसोल कहाँ पर है? ये भुंतर के समीप स्थित है।
खीर गंगा कहाँ पर है? खीर गंगा जो है वो कुल्लू में पड़ता है। और वशिष्ठ की बात करें तो ये मनाली के समीप जो है वो स्थित है। तो ये कुछ हॉट वाटर स्प्रिंग आपको याद रखने। अब एक पूछ लेता है क्वेश्चन कई बार कि कैप्टन ए कॉलमैन के द्वारा जो था वो कौन से स्प्रिंग यानी कि कौन से कोल्ड वाटर स्प्रिंग की खोज की गई थी। तो सलोल एक पानी का झरना है जिसकी खोज कैप्टन ए कॉलमैन के द्वारा की गई थी, उसके बारे में भी जरूर याद रखिए। बाकी देखिए टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट PDFs टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवा दी जाती है। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम के अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, टेलीग्राम में थोड़ी सी दिक्कत आती है ज्वाइन करने में कुछ लोगों को, तो All Exam 31 आप सर्च कर सकते हैं। All Exam 31 करके आपको बराबर में आइकन जो YouTube पर है वैसा ही आइकन जो है वहाँ पर मिल जाएगा और आप हमें वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। 7,000 से ज़्यादा हमारे फॉलोअर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 18 क्वेश्चन नंबर है, फुलैच फेस्टिवल इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो फुलैच त्यौहार है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में मनाया जाता है? ऑप्शन डी, किन्नौर में ये मनाया जाता है। किन्नौर में ये फुलैच फेस्टिवल जो है ये बाधों और असोज के महीने में मनाया जाता है। अभी एक एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि पुराग मेला कहाँ पर लगता है, तो पुराग मेला कहाँ पर लगता है? ये कोटखाई में लगता है। तो ये पुराग मेले के बारे में याद रखिए। अगला क्वेश्चन भी फेयर से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है? ये है लावी फेयर इज अबाउट, लावी मेला कितने वर्ष पुराना है? तो लावी मेला लगभग 300 वर्ष पुराना है, ऑप्शन सी सही आंसर। अभी 300 वर्ष पुराना मेला तो है, ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई, बट ये लावी मेला जो है होता कहाँ पर है? ये रामपुर शिमला में होता है और अक्टूबर और नवंबर के महीने में होता है। तो ये बेसिक सी जानकारी है जो आपको पता ही होगी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ओरिजिनली जमलू देवता वॉज, तो जमलू देवता थे मूलतः इनको किस नाम से जाना जाता था? तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी ऋषि जगदंगनी सही आंसर है, ये इसका सही आंसर होगा। जमलू देवता आपको पता है कहाँ पर पूछे जाते हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होगी। क्वेश्चन नंबर 16, विच टेम्पल इज नोन एज एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश। एक तो हिमाचल का एलोरा हो गया और दूसरा हिमाचल का ताबो हो गया। एलोरा किसको कहते हैं? एलोरा जो है मसरूर रॉकेट टेम्पल को कहा जाता है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और हिमाचल का अजंता किसको कहा जाता है? तो अजंता ताबो मोनेस्ट्री को कहा जाता है, ये आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, तायुल गोम्पा वॉज बिल्ड इन विच ईयर। तो तायुल गोम्पा की स्थापना कब की गई थी? तायुल गोम्पा की स्थापना 17वीं शताब्दी में की गई थी, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 17वीं शताब्दी में इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना लामा सारजा रिन चेन के द्वारा की गई थी, ये आप याद रखिएगा, लामा सारजा रिन चेन के द्वारा इसकी स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 18 है, चंबा पेंटिंग गॉट द रॉयल पैट्रनेज फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर। तो किस शासक के शासनकाल में सर्वप्रथम चंबा पेंटिंग को जो है वो राजसी संरक्षण प्राप्त हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी उदय सिंह जो है वो सही आंसर। चंबा पेंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पेंटर थे जैसे मंगू हो गया, बनवारी हो गया, निक्का हो गया, ये सभी जो था ये चंबा पेंटिंग के फेमस पेंटर थे, ठीक है, तो इनके बारे में भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ओडम्बराज वर कंसिडर्ड एज डिसेंडेंट ऑफ विच शेख। तो ओडम्बरों को किस ऋषि का शिष्य माना जाता है? तो ओडम्बरों को जो है क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी विश्वामित्र जो है वो सही आंसर है, विश्वामित्र का शिष्य ओडम्बरों को माना जाता है। 20 क्वेश्चन देखिए, गुलेर प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाय विच रूलर। तो ये जो गुलेर प्रिंसली स्टेट था इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना जो थी वो की गई थी किसके द्वारा? क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए हरिचंद सही आंसर है, हरिचंद के द्वारा की गई थी। अभी एक एग्जाम हुआ उसमें पूछ लिया गया कि गुलेर रियासत की राजधानी कहाँ पर थी? तो गुलेर रियासत की राजधानी जो थी वो हरिपुर में थी। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि गुलेर के आखिरी राजा कौन थे? तो गुलेर रियासत के जो अंतिम राजा थे वो थे राजा भूप सिंह, ये भी आप याद रखिएगा गुलेर रियासत के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, द फर्स्ट म्यूनिसिपल गवर्नमेंट फॉर्मड इन शिमला MC इन विच ईयर। शिमला नगर निगम में किस वर्ष जो था वो म्यूनिसिपल गवर्नमेंट निर्मित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए 1851 जो है वो सही। 1851 में यहाँ पर MC शिमला जो था उसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री वॉज एस्टेब्लाइज इन विच ईयर। तो ये जो डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी है वानिकी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1985 में की गई थी, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की स्थापना 1978 में की गई थी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला की स्थापना कब की गई थी? तो 1970 में की गई थी।
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पहले उपकुलपति कौन थे? तो पहले उपकुलपति थे रामकरण सिंह। और ये जो डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी थी, इसके पहले उपकुलपति कौन थे? तो पहले उपकुलपति थे एम आर ठाकुर। तो ये आप याद रखिएगा। अभी एक एग्जाम हुआ, उसमें पूछ लिया गया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है, इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। आईआईटी मंडी जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मंडी के कमंड में स्थित है, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना भी 2009 में ही की गई थी। तो ये आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कुगती वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? ये जो कुगती वन्यजीव अभयारण्य है, ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। डिस्ट्रिक्ट चंबा में और भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो, एक तो ये हो गई कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ गैम्यूल सियाह बेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। सेचू तुहा नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है और सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, हिमाचल सेवा सदन इज लोकेटेड इन विच प्लेस? तो हिमाचल सेवा सदन जो है वो कौन से स्थान पर स्थित है? तो ये जो हिमाचल सेवा सदन है, ये कहाँ पर स्थित है? ये चंडीगढ़ में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट नहीं, यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये न्यूज़ में भी रहता है। इसका इनाग्रेशन कब किया गया था? तो 2011 में इसका इनाग्रेशन किया गया था और चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में ये स्थित है। ये आप याद रखिएगा, सेक्टर 25 में ये स्थित है डिस्ट्रिक्ट चंडीगढ़ में सेवा सदन। अगला देखिए, कल्पी मेमोरियल इज लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश? कल्पी मेमोरियल जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए सही आंसर है, पौंटा साहिब में ये कल्पी मेमोरियल स्थित है। सिरमौर से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि लोहगढ़ किला कहाँ पर स्थित है? तो लोहगढ़ किला कहाँ पर स्थित है? ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। सुकेती फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? सुकेती फॉसिल पार्क डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है? मारकंडा नदी के किनारे स्थित है। मारकंडा नदी किसकी सहायक है? तो मारकंडा जो है वो यमुना की सहायक है। धौला कुआं जो है वो कहाँ पर स्थित है? धौला कुआं जो है वो कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। बैंटनी बिल्डिंग कहाँ पर स्थित है? तो बैंटनी बिल्डिंग जो है वो कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। भंगानी प्लेस है एक, जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है वो राजा बिलासपुर के राजा भीमचंद को पराजित किया गया था, वो कहाँ पर है? ये भी पौंटा में स्थित है। तो ये सब आप याद रखिएगा सिरमौर के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एचपी जीके के। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। सो दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।